आप सभी का स्वागत है ई आई एस एजुकेशन में और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि विश्वविद्यालय में प्रमोशन को लेकर जो तैयारी चल रही है, कॉलेजों में जो तैयारी हो रही है प्रमोशन को लेकर छात्रों को देने के लिए, लेकिन इनमें कौन कौन से छात्र प्रमोट किए जाएंगे और कौन कौन से छात्र प्रमोट नहीं होंगे सेमेस्टर के सिस्टम में, और जो वार्षिक परीक्षाएँ जो होती हैं इसमें, और ख़ासतौर पर जो कि वार्षिक में जो कि सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर उन्हें प्रमोशन मिली है या फिर नहीं मिली है। तो इसी को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जितनी भी छात्र छात्राएं पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी सवाल हो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सेमेस्टर में जो कि प्रमोशन को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है कि किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और किन छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, पहले वो बता देते हैं। उसके बाद वार्षिक में किन किन छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है और किन छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा वो भी आप लोगों को बता देंगे स्टेप बाई स्टेप। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे स्नातक एवं यानी पीजी और यूजी की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तो उसी को आधार मान के सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं कराई जाएंगी, और वहीं पे जिनके प्रथम सेमेस्टर के जो अंक होंगे उसके आधार पे दूसरे सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। इसी तरह से जो कि थर्ड सेमेस्टर होगा जहाँ पे परीक्षाएं हो चुकी हैं और जहाँ पे चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो तृतीय सेमेस्टर के आधार पे ही उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी जो तृतीय सेमेस्टर में जो आपको नंबर मिलेंगे उसी से चौथे सेमेस्टर का जो आप लोगों का नंबर है वो तय हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के रिजल्ट आ गए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो फर्स्ट सेमेस्टर के ही अकॉर्डिंग आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के नंबर दिए जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे अब आप बात कर ले ईयरली एग्जाम को लेके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रस्ताव में कहा गया जो कि यूजी पीजी के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो तो प्रमोट होंगे कि पहले से तय थी, उनको लेके कोई भी चिंता की स्थिति नहीं थी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा करा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जितना लेट होगा उतने में परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर के छात्र प्रमोट किए जा रहे थे। बात फर्स्ट रही थी सेकेंड ईयर के छात्रों को लेकर, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के छात्रों को जो कि प्रस्ताव में कहा गया है कि सेकेंड ईयर के छात्र वही प्रमोट होंगे जिनकी 2020 में कॉलेज में परीक्षा कराई गई थी। यानी कि कई सारे कॉलेज थे जहाँ पे फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो चुकी थी और कई सारे कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं होती। तो जिन कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो चुकी है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया है तो आप लोगों को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और जिन कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुआ था और आप लोगों को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया था तो उन सभी छात्र छात्राओं की सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। और यहाँ पे जो कि थर्ड ईयर की जो एग्जाम है वो भी थर्ड ईयर की एग्जाम कराई जाएंगी, और थर्ड ईयर की एग्जाम को लेकर ऑब्जेक्टिव पेपर कराने को लेकर तैयारी चल रही है। तो इसी तरह से हो सकता है कि सेकेंड ईयर की भी एग्जाम को ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी और सेकेंड ईयर की एग्जाम वहीं पे होगी जो लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिए थे, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट किए गए थे तो उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कौन, तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है और कौन से छात्र प्रमोट नहीं होंगे। बाकी अगर आपके अगर कोई भी सवाल बच जाते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।